Hello everyone, I am Rohan. Welcome in Unnati Academy. Today in this video we are studying about probability. An introduction to probability. In this session we are studying about what is probability, what is the difference between theoretical probability and experimental probability, and what is geometric probability. So let's we start. Probability, it is also called science of chance. The probability of an event is a number between 0 and 1. That indicates the likelihood the event will occur. अगर हिंदी में समझे तो probability को हम प्रायिकता बोलते हैं. किसी भी घटना के होने की घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता बोलते हैं. Probability को हम P से डिनोट करते हैं. अगर probability जीरो होता है इसमें क्या होता है, इवेंट विल नॉट अकर, इसको हम लोग इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. अगर दूसरे केस में अगर प्रोबेबिलिटी वन होता है तो ये इवेंट सर्टेन होता है, इसका घटित होने की संभावना जो है सर्टेन होता है, फिक्स होता है. एंड अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 है इट मींस इवेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर और नॉट अकर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसको हम आगे हम वीडियो में एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. उससे पहले आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी जैसे कि हमने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल. एक्सपेरिमेंटल को हम लोग एम्पिरिकल भी बोलते हैं. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट एक्चुअली हैपन व्हेन वी ट्राई इट आउट, जो एक्चुअली होता है, जब हम कोशिश करते हैं जो एक्चुअली में होता है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं. वेयर एज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन, हम लोग उम्मीद करते हैं जो ऐसा हो सकता है उसमें हम उस ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. Who will win? There are two teams, team A and team B. दोनों बीच मैच, टीम के बीच में क्रिकेट का मैच होने वाला है. और उससे पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले अगर हमसे कोई पूछता है who will win, किसके जीतने की चांस है, ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? Maybe इस केस में, ऐसे केस में हम बोल सकते हैं 50% इसका जीतने का चांस है एंड 50% इस टीम का जीतने का चांस है. तो इस तरह के जो प्रोबेबिलिटी होते हैं उसको हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं जो टीम ए जीत सकती है या टीम बी जीत सकती है. वेयर एज अनदर एग्जांपल्स लेते हैं. दूसरा एग्जांपल इज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का. इसमें हम क्या है, दो टीम है, टीम ए और टीम बी. दोनों टीम के बीच में 10 मैच खेले गए हैं टोटल, जिसमें टीम ए जो है 8 मैच विन करती है और 2 लॉस करती है, जबकि टीम बी जो है 2 मैच जीतती है और 8 मैच हारती है. और इसमें अगर पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है टीम ए के जीतने की, हम इसमें देखते हैं डाटा बेसिस दिया हुआ है, हमें 80% जो है चांस लग रहा है टीम ए के जीतने की और 20% है टीम बी के जीतने की. तो ये जो है टीम, ये जो प्रोबेबिलिटी हम की है ये डाटा बेसिस पे है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. इसका कंक्लूजन है, प्रोबेबिलिटी दो तरह होते हैं, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल. और हम एग्जांपल जो लिए हैं ये टीम ए और टीम बी के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 80% है 20%, ये एम्पिरिकल में आती है, जबकि ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें 50% चांस है जीतने की ये थ्योरेटिकल में आती है. नो फैक्ट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव, दैट इज